रिया चक्रवर्ती के लॉयर आए दिन कोई ना कोई ऐसी बात जरूर कह रहे हैं जिसको सुनने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि रिया और उनके लॉयर नहीं चाहते सीबीआई इंक्वायरी। जी हाँ, वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। एक के बाद एक लगातार वाहियात स्टेटमेंट्स देते ही जा रहे हैं रिया चक्रवर्ती के लॉयर। वेल हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है रिया चक्रवर्ती के लॉयर ने। उनका कहना है कि बिहार गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकती है सीबीआई इंक्वायरी के लिए। जी हाँ, ना ही सजेशन दे सकती है सीबीआई इंक्वायरी का। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो उनका कहना है कि बिहार में ये केस नहीं हुआ है, ये मुंबई में हुआ है, इसलिए उस स्टेट की गवर्नमेंट का कोई भी सजेशन या कोई भी फोर्समेंट यहाँ पर लागू नहीं होता और बिहार की गवर्नमेंट जो है वो फोर्स नहीं कर सकती या डिमांड नहीं कर सकती सीबीआई इंक्वायरी, क्योंकि उनका हक नहीं बनता। जी हाँ, उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, कुछ ही दिन पहले मुंबई पुलिस के एक ऑफिशियल ने इस बात को कहा था कि बिहार की जो पुलिस है उनका कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए, उनको कोई हक नहीं है सुशांत सिंह राजपूत के केस को इन्वेस्टिगेट करने का। सो इस तरह की बातें कर लगातार मुंबई की पुलिस जो है, और साथ ही साथ सिर्फ मुंबई पुलिस नहीं बल्कि रिया चक्रवर्ती के लॉयर जो हैं, ये लोग खुद ही इस बात को बहुत ही ऑब्वियसली दिखा रहे हैं कि ये नहीं चाहते कि सीबीआई इंक्वायरी हो। मैं आपको बता दूं कि कुछ ही दिन पहले, कल ही इनफैक्ट, बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की जाँच की डिमांड की है और उन्होंने कहा है कि अब सीबीआई ही इस मुद्दे को निपटाएगी क्योंकि बिहार पुलिस को काम नहीं किया करने दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं रिया के लॉयर का आकर ये कुछ ये सारी बातें कहना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड लग रहा है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी केस हुआ है ये मुंबई में हुआ है, इसीलिए बिहार के पुलिस को या बिहार की गवर्नमेंट को ये उनके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता ही नहीं है। अब इस स्टेटमेंट से क्या कुछ वो दिखाना चाहते हैं ये तो वही जाने, लेकिन आप लोग ज़रूर बने रहिए हमारे चैनल मूवीज अड्डा के साथ।